हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम पढ़ेंगे अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में और आज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मींस डबल एंट्री सिस्टम को, दोहरा लेखा प्रणाली को। ये होता क्या है वो जानते हैं। जब भी बिजनेस में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, तो वो लेन देन हमारे बिज़नेस के अकाउंट्स पे दो तरह से प्रभाव डालता है, अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था अपनी टी शेप अकाउंटिंग के बारे में। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इन दोनों साइड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं गुड्स परचेस्ड विथ कैश 2000 रुपीस। ओके, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया है पैसे देकर 2000 रुपये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश देकर के ख़रीद रहे हैं, तो हमारी कैश यहाँ से 2000 से कम हो जाएगी। और गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो गुड्स से रिलेटेड जो स्टॉक होगा वो बढ़ जाएगा 2000 रुपये से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, जब भी कमीशन रिसीव्ड होगा 1000 मान लेते हैं कमीशन रिसीव्ड। सो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है तो अब यहाँ पे कैश हमारी 1000 से बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जब भी हमारी कैश इंक्रीज होती है किसी रिसीट के थ्रू, तो वहाँ पे कैपिटल भी 1000 से इंक्रीज हो जाती है। अब इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन। मैंने सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 80,000 रुपीज़। ठीक है, कैश हमारे लिए एसेट्स है और ये अपने आप में एक यूज़फुल एसेट्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको, कहीं पर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपयों से, तो यहाँ पे जो कैश आ जाएगी वो 80,000 आ जाएगी। और जिस अमाउंट से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है, तो हमारी कैपिटल भी 80,000 हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 80,000 कैपिटल एंड कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश रुपीज़ 28,000। गुड्स परचेस्ड कर रहे हैं सो हम कैश देकर के खरीद रहे हैं सामान को पैसे देकर, तो पैसे कम हो जाएंगे, कैश कम हो जाएगी 28,000 रुपीज़ से। यहाँ पे हमारी एक एसेट्स, न्यू एसेट्स आ जाएगी, वो होगी हमारी स्टॉक 28,000 का। क्रेडिटर्स हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारी न्यू इक्वेशन आएगी 52,000 की, हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट 28,000 हमारा स्टॉक आ जाएगा और हमारी जो कैपिटल है, क्रेडिटर ज़ीरो हो जाएंगे, कैपिटल 80,000 हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट 20,000। हमने गुड्स परचेस्ड किया है क्रेडिट मींस उधार। जब भी हम उधार कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि कैश नहीं दी है हमने खरीदने के लिए। बट स्टॉक तो बढ़ जाएगा, 20,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। जब भी हम उधार खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 20,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमने उनसे सामान खरीदा है तो वो हमसे पैसे लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, अभी नहीं हमने दिया उन्हें, ना उन्होंने लिया है। और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमारी न्यू इक्वेशन आएगी कैश 52,000 एंड 48,000 स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर्स एंड 80,000 कैपिटल।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹6,000। हमने पैसे दे करके ₹6,000 का फर्नीचर परचेज किया है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक और हमारी एसेट्स आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स, जो कि है फर्नीचर ₹6,000 का। इन्हें इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ये 6,000 से कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46,000 कैश, 48,000 स्टॉक, 6,000 फर्नीचर। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैपिटल 80,000। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो है रेंट पेड 20,000 अमाउंट। सो जब भी हम रेंट पे करते हैं तो हम पैसे देते हैं तो हमारी कैश कम होनी चाहिए, ₹2,000 से माइनस हो जाना चाहिए। सो जब भी कैश कम, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक्सपेंस पेमेंट करने से अगर हमारी कैश कम हो रही है तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। सो हमारी कैपिटल भी 2,000 से कम हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 फर्नीचर, 20,000 क्रेडिटर, एंड हमारी जो अब न्यू कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 78,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड 500। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कैश आपके बिजनेस में आ रही है, 500 से कैश बढ़ जाएगी, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमारी अब कैपिटल भी 500 से इंक्रीज हो जाएगी। सो जो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 44,500 फर्नीचर 6,000 के रहेंगे, क्रेडिटर्स 20,000 के ही रहेंगे, बट ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 78,500 हमारी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे बिजनेसमैन ने निकाले हैं, ₹3,000 निकाले, तो कैश निकल रही है, तो 3,000 से कैश क्या हो जाएगी, 3,000 से कैश माइनस हो जाएगी और यहाँ पे 44,500 होगा, तो अब ये हो जाएगा 41,500। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा और यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हमारी कैश कम हो रही है तो हमारी कैपिटल भी 3,000 से लेस हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे लेस हो जाएगी तो आ जाएगा हमारा अमाउंट 75,500, कैपिटल आ जाएगी हमारी, ये हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएंगे 48,000, फर्नीचर हो जाएगा 6,000, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 20,000 के। एक लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 40,000। हमने सामान को उधार बेचा है ₹40,000 में, उधार बेचा है इसलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 30,000 का उसका कॉस्ट प्राइस था, तो हमें तो स्टॉक में से जो हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक में से इसकी जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट की, जिसे सेल किया है, जिस गुड्स को सेल किया है, उसकी कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से 30,000 माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस ही माइनस होती है, और 30,000 का गुड सोल्ड हो गया है, हमारे बिजनेस से चला गया है, स्टॉक कम हो रहा है 30,000 से, इसलिए यहाँ से स्टॉक 30,000 से कम हो जाएगा। उधार बेचा है तो अब हमारे लिए यहाँ पे एक और एसेट्स क्रिएट हो जाती है, डेटर्स, हमारे बिजनेस में एक एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर्स क्रिएट हो जाती है, कितने रुपए से, 40,000 रुपए से हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। डेटर्स वो जिनको हमने सामान बेचा था बट उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए हमें, बाद में देंगे, ठीक है, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल पे इफ़ेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि 30,000 की कॉस्ट का गुड्स था, 40,000 रुपये में बेचा है, तो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे। तो अब देख लेते हैं हमारी लास्ट इक्वेशन क्या आ जाती है, 41,500 हमारा कैश आ जाएगा, 18,000 का स्टॉक आ जाएगा, 6,000 का फर्नीचर आ जाएगा, 40,000 के डेटर्स आ जाएंगे।
20,000 का क्रेडिटर्स, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी हमारी। एंड लास्ट 85,500 के कैपिटल हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझने करेक्ट है या नहीं, हम इसको बैलेंस शीट बनाकर प्रूफ कर सकते हैं कि हमने जो ये प्रिपेयर किया है अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं। सो देख लेते हैं। सो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। ये लायबिलिटी साइड होती है, अमाउंट कॉलम होता है, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास जो क्रेडिटर्स थे वो थे 20,000 रुपये के, ठीक है। नीचे था कैपिटल जो थी वो आ गई थी 85,500 की। इस साइड पे हमारे पास कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं। कितने के हैं? कैश 41,500 की है, ठीक है। 18,000 का स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है, 40,000 के डेटर्स हैं। अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे। जब अगर ये बराबर आ जाएंगे मीन्स हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है। ये हो जाएगा 1,55,000 ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया वो करेक्ट है। दोनों बैलेंस हो रही है हमारी बैलेंस शीट, दोनों साइड बैलेंस कर रहा है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।